दोस्तों आज हमारे पास एक हायर का 32 इंच एलईडी टीवी रिपेयर होने के लिए आया है, जिसमें ये प्रॉब्लम है जो आप देख ही सकते हैं। एक साइड से थोड़ा थोड़ा ब्लू और लाइनिंग आ रही है और एक साइड से बिल्कुल ब्लैक है और पिक्चर में कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये दोस्तों पैनल की प्रॉब्लम है और इसमें इनोलेक्स का ये वाला मॉडल यूज़ किया गया है। तो दोस्तों आपको ज़्यादातर तो ये मालूम ही होगा, अगर जो इसमें साइड कफ होते हैं उसमें जो VGL और VGH की सप्लाई जो मिस हो जाती है तो उसी के कारण ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन इसमें हम आपको चेक करके दिखाते हैं, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें ये वाला कॉफ यूज़ किया गया है जिसकी डिटेल मैंने लिख दी है, क्योंकि अगर इसकी डिटेल वैसे तो आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगी, इजीली मिल जाती है, पिन आउट जो है होता है वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसलिए ये लिखा क्योंकि कॉपीराइट का इशू होता है अगर मैं वो वाली इमेज यूज़ करता जो हमें इंटरनेट से मिलती है। तो हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं, देखिए दोस्तों इसमें जो VGL और VGH सप्लाई है वो ये देखिए, VGL चेक की हमने तो VGL हमारी प्रेजेंट है और अब हम VGH चेक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों VGH भी हमारी प्रेजेंट है। तो दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम है वो है इसके जो सिग्नल आते हैं CKB, STB और OE सिग्नल उनकी। तो दोस्तों सही मायने में तो ये सिग्नल जो है वो सही मापने के लिए सीलोस्कोप ही हो चाहिए, मीटर से भी आप माप सकते हैं लेकिन ये उतनी अच्छी रीडिंग नहीं देता। तो अब हम इसकी मॉडिफिकेशन करेंगे दोस्तों। दोस्तों इसमें जो मेन चिप है जो आपको सभी सिग्नल को प्रोड्यूस करती है उसकी डिटेल मेरे को नहीं मिली कहीं से भी, तो मैंने ढूंढा है, कुछ सिग्नल ढूंढे हैं और एक सिग्नल की मॉडिफिकेशन की है तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों हम सबसे पहले जो ये CKB सिग्नल है, ये OE सिग्नल है और ये जो तीसरा सिग्नल है ये वो STB है। तो अब हम इनको जम्पर लगाएंगे पहले। दोस्तों ये जो आदमी मतलब जो आप ये काम जानते हैं तो आपके लिए ये सरल होगा, अगर आप नए हैं तो बहुत ही सावधानी से काम करें क्योंकि ये जो कॉफ आइस होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं, तो थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो काम बिगड़ सकता है। तो ये जो बहुत ही सावधानी वाला काम है दोस्तों, तो अब हम इसको सोल्डर करेंगे। तो दोस्तों ऐसा है, अगर आपके पास ये जो आपकी चिप मेन चिप लगी होती है जो STB OE और CKB सिग्नल प्रोड्यूस करती है, अगर आपके पास उसकी पूरी जानकारी है, आपके पास उसकी पिन आउट है, तो आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं उधर से। हाँ आपको कुछ रेजिस्टेंस यूज़ करनी होगी क्योंकि जो भी PCB के थ्रू आती है वो उसमें सर्किट में जो रेजिस्टेंस यूज़ होती हैं, तो आप इसको डायरेक्टली ना दें, मेरे हिसाब से आप रेजिस्टेंस का यूज़ करें, 1K और 10K के बीच बीच की रेजिस्टेंस जो आप लगा लें। उसी तरीके से मैं भी उसी तर्ज पर 1K और 10K का यूज़ करूँगा। तो ये देखिए दोस्तों हम सबसे पहले अब CKB सिग्नल लगाएंगे, उस पर जम्पर लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों हमने CKB पर जम्पर लगा लिया। अब हम इसमें 10K रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे और इसको जो PCB पर CKB पिन है, ये देखिए दोस्तों सामने लिखा हुआ है STB1 के ऊपर CKB, तो इसमें हम लगा देंगे 10K रेजिस्टेंस के थ्रू। ये देखिए दोस्तों हमने लगा दी, तो हम अब इसको चालू करके देखेंगे क्योंकि कई बार क्या होता है, क्योंकि एक सिग्नल मिस होने के कारण भी पिक्चर ऐसे हो जाती है और आपका वो आपने लगा दिया तो आपकी पिक्चर ओके हो जाएगी, लेकिन हम चला कर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारी है जो हाफ पिक्चर ओके हो गई है, तो अब हमको दूसरे जो सिग्नल है वो भी लगाने पड़ेंगे दोस्तों। ये देखिए तो अब हम इसका आगे का सिग्नल है जो OE वो लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों अब हम OE लगाएंगे, OE सिग्नल जो है हमें वो PCB पर
जो मेन चिप है उसके साथ में ही मिल गया तो हम उसको डायरेक्ट लगा देंगे, उसमें हम कोई भी रेजिस्टेंस यूज़ नहीं करेंगे। इसका जंपर हम दोस्तों डायरेक्ट लगा रहे हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमें ओरिजिनल मिल गया है सिग्नल, इसमें जो रेजिस्टेंस यूज़ की गई हुई हैं पहले से ही, तो अब हम अपनी तरफ से कोई भी नहीं लगाएंगे। तो अगर हम ये जो हमारा है एसटीवी सिग्नल, तो हम इसमें 1 के रेजिस्टेंस की का यूज़ करेंगे, और दोस्तों जो हमने पहले सिग्नल लगाया है उसके साथ में ही एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो अब हम इसको 1K को उस पर लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों हमने 1K का यूज़ किया, तो अब हम सेट को ऑन करते हैं और देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमारा सेट है जो ओके हो चुका है, ये देखिए। देखिए दोस्तों हमारा सेट बिल्कुल ओके है। तो आप अब हम इसको थोड़ा सही तरीके से लगा देंगे और आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों हमने डिस्टेंस को छोटी कर दिया और लगा दी है। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और हमारी वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।